कपड़े के ऊपर हम प्लेट को रखकर राउंड शेप में निशान लगा लेंगे। मैं जहाँ पर छोटा मास्क बनाने वाली हूँ इसीलिए मैं जहाँ पर छोटी प्लेट यूज़ कर रही हूँ। आप बड़ा मास्क बनाने वाले हैं तो बड़ी प्लेट यूज़ कीजिए। निशान लगाने के बाद इसे हम काट लेंगे। काटने के बाद मैं इसे फोल्ड कर रही हूँ। फोल्ड करने के बाद फिर से एक बार ऊपर से फोल्ड करूँगी जिससे ये चार पीस में फोल्ड हो जाएगा। अब चारों को मैं काट दूँगी जिससे चार पीस बन जाएंगे। काटने के बाद मैं सीधे के ऊपर सीधा पीस रखते हुए जहाँ पर सिलाई कर लूँगी ऐसा मैं दोनों पीस के ऊपर सिलाई लगाऊंगी। मैंने दोनों के ऊपर सिलाई लगा ली है। अब मैं दोनों को सीधा करती हूँ। सीधा करने के बाद मैं फिर से दोनों पीस को एक दूसरे के साथ सीधा सीधा रखूँगी और उल्टी साइड में ऐसे सिलाई लगा लूँगी, लेकिन दोनों कोनों से मैं थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ दूँगी। जहाँ मैंने जगह छोड़ी है वहाँ से मैं मास्क को निकालते हुए मास्क को सीधा कर लूँगी। मास्क को हमारा ऐसा दिखाई देगा। मैंने जो जगह छोड़ी थी वहाँ पर मैं इलास्टिक को इंसर्ट करूँगी और सेट करते हुए ऊपर से स्टिच कर लूँगी। ऐसे हमारा जो मास्क बनकर तैयार हो जाएगा।